नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो सुबह के करीब ये 8 बज रहे हैं दोस्तों, 8 या 8:30 बज रहे होंगे, मैं एकदम से क्लियर नहीं बता पाऊँगी। और यहाँ पे देखिए, मैं कपड़े धुल रही हूँ और कुछ कपड़े मशीन में पड़े हुए हैं, मतलब मशीन में लगा दिए हैं, और कुछ कपड़े मैं हाथों से धुल रही हूँ। तो ये ऊनी कपड़े हैं, मतलब ऊलन वाले कपड़े हैं, ठंडा मतलब साल स्वेटर। और आपको नल पर भी कपड़े रखे हुए दिख रहे होंगे, तो उनको भी हमने धुला है। और इस समय बहुत ज़्यादा कपड़े निकल रहे हैं दोस्तों, तो चलिए थोड़े से कपड़े हैं हाथों से धुल लेते हैं, फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलेंगे। और सुबह से ही मतलब वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, और देखते हैं कहाँ तक लेकर जा पाएंगे। और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, और प्लीज़ वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ दोस्तों, और आप लोगों का भी फर्ज बनता है मेरा थोड़ा सा हेल्प करना दोस्तों। तो चलिए कपड़े भी धुल लेते हैं, और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और मैंने वीडियो थोड़ा सा फास्ट मोड पे कर दिया है, तो ये मत समझिएगा कि इतनी जल्दी जल्दी मैं कपड़े धुल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। और यहाँ देखिए, मैं पैरों से मतलब ये धुल रही हूँ, और पैरों से धुलने से थोड़ा सा और मतलब अच्छे से साफ हो जाते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। और ठंडक भी बहुत हो रही है, और टंकी का पानी बहुत ही ठंड, मतलब बहुत ही ठंड होता है। नल से जब हम चलाकर काम करते हैं तो थोड़ा पानी गर्म निकलता है, लेकिन जब टंकी में पानी रहता है वो पानी बहुत ही ठंडा होता है दोस्तों। और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही है। और यहाँ मैं सारे कपड़े धुल चुकी हूँ, और उसके बाद किचन में आ चुकी थी दोस्तों। और ये देखिए, आलू मैंने उबाल करके रख लिया है, और इसका लगाएंगे भरता। और खाने में आज बन रहा है दाल चावल और आलू टमाटर का भरता। तो चलिए आलू भी छील कर रख लिए, फिर आप लोगों से मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी हमने थोड़ा सा कपड़ा धुला है, और हाथों से थोड़ा सा धुला था, और थोड़ा मशीन में है। तो उन्हीं कपड़े थे जो मैं हाथों से धुली हूँ, और 2-4 साड़ियाँ थी जो ननद लोगों की थी, तो वो भी धुला। अब इन सबको लेकर जाना है ऊपर। उससे पहले मैं खाना बना लूंगी, क्योंकि खाना के लिए भी लेट हो रहा है, और दाल फ्राई करने जा रही हूँ। तो चलिए किस तरीके से मैं दाल फ्राई करती हूँ आप लोग देख लीजिए। और हाँ, सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों के बीच जाए और मेरी थोड़ी सी हेल्प हो पाए। तो इसके लिए आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, और वीडियो में कोई कमी रह जाए तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दाल फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं ऊपर और कपड़े डालना है। तो देखिए दोस्तों, कढ़ाई हमने रखा है गरम करने के लिए, और इसमें हमने सुबह क्या बोलते हैं कचरी फ्राई किया था, नमकीन जो चावल का बनता है तो वो फ्राई किया था, तो इसी में हम दाल फ्राई कर ले रहे हैं दोस्तों। और यहाँ देखिए, हमारी टमाटर उबल चुकी है, अब इसको रखेंगे एक साइड, तब तक हमारी कढ़ाई भी गर्म हो जाएगी। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है दोस्तों, अब हम इसमें डालेंगे जीरा। जब आपको मतलब दाल फ्राई खाने का मन हो तो इसी तरीके से फ्राई करिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा फ्राई दाल फ्राई बनता है। तो देखिए, हम 2-4 लहसुन लिए हैं जो छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिए हैं, इसको भी डाल देंगे। और एक मीडियम साइज का प्याज लिए हुए हैं, तो इसको भी कट करके हम डालेंगे। ये देखिए बारीक कटे हुए प्याज। और हाँ दोस्तों, सूखी लाल मिर्च से हम दाल फ्राई नहीं कर रहे हैं, हरी लाल मिर्च, हरी वाली मिर्च है, तो ये भी हम कट कर लिए हैं। और ये देखिए कुछ इस तरीके से कट किए हैं, तो इसको भी डाल देंगे। अब इन सब को हम ब्राउन कर लेंगे थोड़ा सा। अब ये देखिए, एक छोटा सा टमाटर हमने काटा हुआ है, इसको भी डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा मसाले डालेंगे,
थोड़ा सा हल्दी डालेंगे दोस्तों, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा कलर वाला लाल मिर्च। इन सब चीजों को हमें मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा भून लेना है दोस्तों, और टमाटर को हमें सब चीज से कट कर लेना है। अब हम इसमें दाल पलट देंगे। तो इस तरीके से आप दाल फ्राई करिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी लगती है, एकदम ढाबा स्टाइल में हमने दाल फ्राई किया है दोस्तों। अब इसको ढक देंगे। तो दोस्तों देखिए दाल बिल्कुल से रेडी हो चुकी है, ये देखिए। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देते हैं और चलिए भरता भी लगा लेते हैं। अब इसको ढक देंगे। तो देखिए दोस्तों, आलू छिलके रख लिया था, टमाटर भी उबाल लिया है और इसका छिलका उतार लिया है, और यहाँ देखिए ये चटनी हमने पीसा है, हरी मिर्च, हरा धनिया और लहसुन का। तो सबसे पहले हम आलू को फोड़ लेते हैं दोस्तों, और हाथों से ही हम मीजेंगे, मतलब हाथों से ही भरता लगाएंगे, कोई फोड़ने वाला चीज नहीं है हमारे पास आलू को, तो इस वजह से हम हाथों से ही फोड़ ले रहे हैं। आलू हमने फोड़ लिया है दोस्तों, टमाटर भी फोड़ लेते हैं। अब हम इसमें चटनी डाल देंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों विलेज स्टाइल में भरता तैयार है। अब इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे, अगर आप इसमें कटे हुए हरा धनिया डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं दोस्तों, लेकिन हमने सारा चीज पीस लिया है इस वजह से नहीं डाल रहे हैं। तो बस भरता रेडी है, ये देखिए। तो दोस्तों कपड़े डाल दिया है सूखने के लिए, अभी एक बाल्टी भर करके कपड़े और हैं मशीन में पड़े हुए हैं, और एक हफ्ते से करीब बहुत ज़्यादा कपड़े निकल रहे थे, फाइनली आज सारे कपड़े धुल करके मतलब छुटकारा मिल गया है। और चलिए अब चलते हैं नीचे, खाना खिलाना है, और आज एक ननद को भेज देना है, हमारी जो बड़ी वाली ननद है ना, तो उनको आज भेज देना है, क्योंकि एक हफ्ते से वो आई हुई हैं और गाँव में वो रहती हैं और उनके बच्चे मतलब दूसरे जगह रहते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत पड़ती है, और कल से ही बोल रही हैं कि घर पर भिजवाओ घर पर भिजवाओ। तो यहाँ से मतलब 20-30 किलोमीटर की दूरी पर है उनका घर, तो अभी हमारे जेठ जी के लड़के लेकर जाएंगे, उनको छोड़कर आएंगे, तो उनको भी भेजना है। इस वजह से काम बहुत ज़्यादा था दोस्तों, और जल्दी जल्दी सारा काम निपटा रही हूँ, और एक हफ्ते से करीब में इन सब के बीच ऐसे ही कब टाइम निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही खुशी मिली सब लोगों के बीच रह करके, और ऐसा मतलब माहौल कब बनता है, जब घर में शादी ब्याह पड़ता है तभी ऐसा माहौल बनता है दोस्तों। तो ये पल हमें जीना चाहिए खुश हो करके, शायद ये पल फिर मिले या ना मिले, तो इस वजह से बोलती हूँ कि जो अपनी रियल लाइफ में है उसे आप लोग इंजॉय करिए और खुशी हो करके सबके साथ बिताइए। और अभी बड़ी ननद को भेज देंगे, और कल है बुधवार और आज है, नहीं कल है मंगलवार और आज है
सोमवार। तो बुधवार को हमारी मुंबई वाली सिस्टर की, मतलब हमारी ननद की टिकट है, तो उनको भी भेज देना है। उसके बाद घर बिल्कुल से खाली हो जाएगा दोस्तों, जैसे था वैसे फिर हो जाएगा, वही अपना काम रोज का, वही इन सब के मतलब बीच में मिस हम लोग बहुत ज़्यादा करेंगे। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, कितना दिन अपने पास सब लोगों को रख सकते हैं। मेरा बस चले तो मैं किसी को नहीं जाने दूँ, लेकिन क्या करें, मजबूरी है तो सब लोगों को भेजना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने ननद को बुलाकर खाना खिला दें, फिर उसके बाद उनको भेज देना है। और शाम तक हमारी जेठानी जी की लड़की आ जाएंगी। तो अगर इस वीडियो में मुलाकात करवा पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर मुलाकात आप लोगों को करवाऊंगी अपनी बेटी से, तो आप लोग भी मिलिएगा। और हाँ, प्लीज़ आप लोगों से फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो में कोई कमियां रहती हैं तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जो है सो मैं रियलिटी आप लोगों को दिखाती हूँ, जो मेरे लाइफ में है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कोई इसमें दिखावा नहीं है। और ना ही मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा हाई फाई है, जो है एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, जो है सो रियलिटी है दोस्तों। और जो चीज़ें होती हैं मेरे लाइफ में वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इसमें कोई दिखावा नहीं है दोस्तों। तो बस यही है हमारी छोटी सी लाइफ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो उसके लिए मुझे सपोर्ट करिए और सहयोग दीजिए। और मुझे मतलब एक होता है ना कि आप लोग जब अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो मुझे एक खुशी सी मिलती है कि मैं और अच्छी वीडियो बनाऊं और अच्छी वीडियो बनाऊं। तो वही मैं बोल रही हूँ कि आप मेरा मनोबल बढ़ाइए, और कोई भी कमियां रहे तो उसके लिए माफ़ कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नीचे, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा और ननद जी को घर पर भेजना है ना, तो इस वजह से जल्दी जल्दी और काम कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ने लगी है दोस्तों, इस वजह से सुबह बहुत ज़्यादा काम भी रहता है और काम सारा निपट भी नहीं पाता है। तो चलिए चलते हैं नीचे। और ऐसे ही हूँ, सुबह जैसे मतलब उठो, मतलब नहा धो के पूजा पाठ करके खाना बनाना, किचन में आना, नाश्ता बनाना, तो यही है आज एक हफ्ते से करीब, और कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो चल आ गए हम नीचे, और अभी कपड़ा देखिए धुल रहा है, देख सकते हैं अभी कपड़ा हमारा लगा हुआ है मशीन में, ये देखिए सूख रहा है, अब इसको भी लेकर जाना पड़ेगा ऊपर। तो दोस्तों, सबका खाना पीना हो चुका है, अब तैयारी हो रही है ननद के जाने की। तो देखिए पैरों में मैं अलता लगा रही हूँ, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, बहू बेटी जब अपने घर जाती हैं तो उनके पैरों में अलता जरूर लगाया जाता है, तो वही मैं लगा रही हूँ। तो ये देखिए हमारी बड़ी ननद आज जा रही हैं अपने घर पर, तो आप लोग भी आखिरी बार मिल लीजिए, मतलब फिर मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, लेकिन आज घर से जा रही हैं अपने घर पर। तो बहुत ही मतलब बुरा लग रहा है, क्या कर सकते हैं, ज़्यादा दिन रोक भी नहीं सकते हैं, तो इनको विदा करना है और बेटी को लेकर आना है। तो बेटी को लेने सब लोग जा चुके हैं, अभी वो आ जाएगी, मतलब शाम के 4-4 बजे तक आ जाएगी। तो चलिए इनको पहले विदा कर देते हैं, तो फिर आप लोगों से मिलेंगे शाम को। तो आप लोगों से नमस्ते कर रही हैं दोस्तों।